नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि रोसुवेस्टेटिन टैबलेट का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, रोसुवेस्टेटिन टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और रोसुवेस्टेटिन टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि रोसुवेस्टेटिन टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। रोसुवेस्टेटिन टैबलेट का उपयोग शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करने के लिए किया जाता है। रोसुवेस्टेटिन टैबलेट शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करती है और शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ाती है। बैड कोलेस्ट्रॉल को LDL या लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं और गुड कोलेस्ट्रॉल को HDL या हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। इसके अलावा रोसुवेस्टेटिन टैबलेट ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल को भी कम करती है। ट्राइग्लिसराइड्स फैट की ही एक टाइप है जो ब्लड में पाई जाती है। शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल अधिक होने पर शरीर की नसों में धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है, जिसकी वजह से नसों में ब्लड का सर्कुलेशन कम होने लगता है। ब्लड का सर्कुलेशन कम होने की वजह से दिल का दौरा पड़ने का और लकवा लगने का जोखिम अधिक हो जाता है। यदि आप अपने शरीर के कोलेस्ट्रॉल के लेवल को अच्छी तरह से कम करना चाहते हैं, तो आपको रोसुवेस्टेटिन टैबलेट को लेने के साथ साथ कम कोलेस्ट्रॉल वाली डाइट लेनी चाहिए और घी व ज्यादा तेल से बने भोजन को खाने से बचना चाहिए। इसके अलावा रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। रोसुवेस्टेटिन एक सॉल्ट नेम है। रोसुवेस्टेटिन टैबलेट को रोसुवास और नोवास्टेट आदि ब्रांड नेम से भी जाना जाता है। रोसुवेस्टेटिन टैबलेट 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg और 40 mg की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना न भूलें। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में रोसुवेस्टेटिन टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन 2% से भी कम व्यक्तियों में रोसुवेस्टेटिन टैबलेट की वजह से कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे सिरदर्द होना, बदहजमी, शरीर में कमजोरी व थकान होना, नाक से खून आना, पेट से गैस निकलना, कब्ज और कुछ व्यक्तियों में दस्त होने की समस्या भी हो सकती है। रोसुवेस्टेटिन टैबलेट की वजह से ब्लड शुगर लेवल अधिक हो सकता है। कुछ व्यक्तियों में रोसुवेस्टेटिन टैबलेट की वजह से लिवर डैमेज भी हो सकता है। इसके अलावा रोसुवेस्टेटिन टैबलेट की वजह से शरीर की मांसपेशियों में दर्द, जोड़ों में दर्द और कमर में दर्द आदि साइड इफेक्ट्स भी रोसुवेस्टेटिन टैबलेट की वजह से हो सकते हैं। अगर आपको रोसुवेस्टेटिन टैबलेट को लेने के बाद शरीर की मांसपेशियों या जोड़ों में बहुत तेज दर्द होता है, तो आपको तुरंत ही डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए, क्योंकि ये लक्षण रैबडोमायोलिसिस के भी हो सकते हैं। रैबडोमायोलिसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें मांसपेशियों के टिश्यू डैमेज हो जाते हैं। मांसपेशियों के टिश्यू डैमेज होने की वजह से मांसपेशियों से मायोग्लोबिन नाम का एक प्रोटीन निकलता है जो ब्लड में मिल जाता है, जिसकी वजह से किडनी भी डैमेज हो सकती है। वैसे रैबडोमायोलिसिस होने की संभावना बहुत ही कम होती है, लेकिन कुछ व्यक्तियों में रोसुवेस्टेटिन टैबलेट की वजह से रैबडोमायोलिसिस भी हो सकता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि रोसुवेस्टेटिन टैबलेट को कैसे लेना रिकमेंडेड होता है। रोसुवेस्टेटिन टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। आमतौर पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर शुरुआत में रोसुवेस्टेटिन 5 mg से लेकर रोसुवेस्टेटिन 10 mg टैबलेट को दिन में एक बार लेने की सलाह देते हैं, लेकिन शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा होने पर 4 सप्ताह बाद डॉक्टर रोसुवेस्टेटिन टैबलेट की डोज को बढ़ाकर रोसुवेस्टेटिन 20 mg से लेकर रोसुवेस्टेटिन 40 mg टैबलेट को भी दिन में एक बार लेने की सलाह दे सकता है। रोसुवेस्टेटिन टैबलेट की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है, इसलिए आपको रोसुवेस्टेटिन टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि रोसुवेस्टेटिन टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए।
लिवर की कोई बीमारी होने पर रोसुवेस्टेटिन टैबलेट को लेना रेकमेंडेड नहीं होता है। प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए रोसुवेस्टेटिन टैबलेट का सेवन करना सुरक्षित नहीं है, इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को डॉक्टर की सलाह के बिना रोसुवेस्टेटिन टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपका रोसुवेस्टेटिन टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।